अब देखते हैं अपना सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में बेसिकली हम चार पिलर को ही डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा कोर्स जो है अपना थोड़ा छोटा रहे, जिससे आपको संडे टेस्ट के लिए थोड़ा आसानी जाए। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो मंडे क्लास के साथ हम इसे कर लेंगे। तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, चार पॉइंट रहेंगे अपना। एक तो हमें समझना है कि फॉरेस्ट क्या है। सेकेंड पॉइंट हम ये देखेंगे कि आखिर फॉरेस्ट्री क्या है, जो फॉरेस्ट की स्टडी है या फॉरेस्ट से रिलेटेड जो साइंस है उसे बोलते हैं फॉरेस्ट्री। तो ये फॉरेस्ट्री है क्या एक्चुअल में। थर्ड है, ये फॉरेस्ट्री जो है इसके कुछ टूल्स हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा टूल है सिल्वीकल्चर। ये एक टाइप से सेंट्रल कोर पार्ट काम करता है फॉरेस्ट्री का। तो थर्ड पिलर देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर ये सिल्वीकल्चर है क्या। और इसके बाद लास्ट में देखेंगे हम साइड फैक्टर्स, क्योंकि कहीं भी कोई भी फॉरेस्ट वेजिटेशन होता है वो फाइनली जो उस लोकलिटी जो साइट है उसके फैक्टर ही है जो उसे अफेक्ट करेंगे। तो कौन कौन से साइड फैक्टर्स होते हैं, वो कैसे अफेक्ट करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अपने पहले मुद्दे पे चलते हैं, वो क्या है अपना फॉरेस्ट। अब अगर फॉरेस्ट टर्म को बारे में जो समझना है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मिडिवल यूरोप की हिस्ट्री में। मिडिवल टाइम था यूरोप का, उस टाइम पे क्या हुआ, वहाँ एक टाइप का एक नया रूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ। इस जो नया रूलिंग सिस्टम डेवलप हुआ इसे बोलते थे वहाँ पर फ्यूडलिज्म। ये फ्यूडलिज्म जो है वो उस टाइप का है जैसे सामंतवाद जो अपनी है, सामंतवाद टाइप की ही ये फ्यूडलिज्म थी। इसमें होता क्या था कि एक तो जैसे किंग रहा और उसके बहुत सारे सामंत जो है, जो नए नए लोग थे, उन्हें बोला नोबल बोला गया। उसके नीचे कुछ आए उन्हें बोला गया नाइट। और सबसे लास्ट में जो थे वो थे पीजेंट, किसान। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये जो नोबल्स और नाइट्स हैं, तो जब ये फ्यूडलिज्म इस टाइप का जो सामंतवाद टाइप का जो सिस्टम ओरिजिनेट हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे नंबर ऑफ ये नोबल्स और नाइट जो है वो बहुत ज्यादा पैदा हो गए। अब हर नाइट बनेगा तो उसको क्या किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो जमीन है उसे वो एक लैंड एरिया पकड़ा दिया जाएगा। अब लैंड एरिया जो दिया जाएगा, सपोज उसको कोई विलेज पकड़ा दिया गया है, तो ये विलेज जो है यहाँ पर इस नए नोबल के सामने दो इशू है। पहला तो इशू ये है, क्योंकि ये राजा के अंदर है तो ये अपनी आपस में कंपटीशन चल रहा है, एक नोबल का दूसरे नोबल से, एक नाइट का दूसरे नाइट से। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि इनका जो महल है वो बनाएंगे तो आसपास के एरिया को एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रगल शुरू हुआ वो है कंपटीशन किस बात का, पावर का। ये कोई ट्रेड वाला सिस्टम तो था नहीं, ट्रेड वाले बेस्ड इकोनॉमिक सोसाइटी जो थी नहीं, या सोसाइटी कौन सी थी जो एग्रीकल्चर से इनकम से बेस्ड है। तो जिसके पास जितना एग्रीकल्चर एरिया, उसकी जिसकी जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, उसकी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। जो जितना ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग, उसकी जो किंग का जो राज्य होगा या किंग की जो सभा होगा, उसमें सभा में उसकी उतनी ज्यादा पावर, उसकी ज्यादा उतनी पदवी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इन लोगों ने जो भी, इन्हें जो नोबल्स है या नाइट है, इनको जो भी एरिया दिया गया, इनने उस एरिया में फॉरेस्ट को दर तरीके से क्लीन किया। क्या किया, डिफॉरेस्ट किया। तो इस टाइप से पेड़ों को काटते काटते उनकी बाउंड्री तक पहुंच गए, किसकी, पेड़ों के काटने वाला। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इनके जैसे कि ये एक नोबल का एरिया था, ये दूसरे का किसी का था, ये तीसरे को किसी को दे रखा था, अब ये इसने एक्सपेंड किया इधर और इधर, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसने अपना सब कुछ काट रखा होगा और इसने काट रखा होगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। जब यहाँ कोई वेजिटेशन नहीं बचेगी तो काटोगे क्या, और टिम्बर तो इन्हें चाहिए ही चाहिए। किसके लिए, चाहे वो चाहे अपने फूड को बना रहे हों, चाहे डेली यूज में फार्म इम्प्लीमेंट हो, या लकड़ी जलाने के लिए, तो टिम्बर तो चाहिए। तो अब टिम्बर की जुगाड़ क्या किया जाए, तो इसके लिए इन लोगों ने एक नई जुगाड़ निकाली। और वो नई जुगाड़ क्या है कि आपके जो एरिया है, जैसे कि एक नोबल जो है इसका जो एरिया थी बाउंड्री एरिया जो इसे दिया गया था, इसकी जो बाउंड्रीज एरिया है इस पे प्लांटेशन करना शुरू कर देगा। तो इसने जो प्लांटेशन की, इसको जो जैसे कि इसका कैसल जो चर्च, इसको ये किस कैसल या चर्च मान लो, या इसका जुड़ा हुआ कैसल
इस टाइप का बना दो, ये बकायदा रिमेनिंग गांव हो गया, तो इसकी जो बाउंड्री से जो जुड़ा हुआ एरिया था तो उसने बाउंड्री पे प्लांटेशन कर दी किसकी, पेड़ों की। तो ये जो पेड़ों की बाउंड्री प्लांटेशन की थी इसको बोला गया वुड लैंड। क्या बोला गया? वुड लैंड। तो जो बाउंड्री प्लांटेशन है उसको इन्हें टर्म बोलते थे वुड लैंड, या यही वुड लैंड जो है इसको एक टर्म और यूज करते थे। वो टर्म क्या था? वो टर्म था फॉरेस्ट। सो मुद्दा यह है कि कुछ लोग इसे वुडलैंड बोलते थे और उन्हीं में से कुछ लोग इसे फॉरेस्ट बोलते थे। तो आखिर ये फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? ये वुडलैंड या फॉरेस्ट किसे बोल रहा है? वो प्लांटेशन को जो इनकी विलेज बाउंड्री के आउटर मार्जिन पे है। प्लांटेशन अराउंड विलेज बाउंड्रीज। तो ये फॉरेस्ट उसे क्यों बोलते थे? क्योंकि जैसे आज के टाइम पे हमारे पॉलिटिक्स में है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो शब्द है, ये हमारे जो टर्मिनोलॉजी है, ये एंशिएंट इंडिया से चली आ रही है। मींस हमारे जब भी कोई टर्म होते हैं हम संस्कृत या प्राकृत लैंग्वेज से ड्राइव करके चलते हैं। वैसे ये लोग क्या चलाएंगे? इनकी एंशिएंट सिविलाइजेशन वो है ग्रीक और लैटिन। तो इनके जो भी शब्द होंगे वो कहीं ना कहीं ग्रीक या लैटिन से ड्राइव किए होंगे। तो लैटिन में एक टर्म होता था, वो था फोरिस। और इस फोरिस का सेंस था इनके लिए कि विलेज बाउंड्री के जो आउटर मार्जिन की जो जो वुडलैंड है, इस टाइप की जो बाउंड्री है विलेज की, जो बाउंड्री है वहां पर कुछ कुछ जो पेड़ वगैरह लगा लग रखे हों, उग रखे हों, उसको ये फोरिस बोलते थे लैटिन के टाइम पर, एंशिएंट टाइम में। तो उन्होंने उसी से कंपेयर करते हुए इसको एक टाइप से ये लैटिन टर्म को यूज करने लगे थे, ये फॉरेस्ट है। जैसे हम अभी भी राम राज्य टर्म यूज कर देते हैं तो वो एंशिएंट टाइप को हम जैसे आज मॉडर्न में सेंस करने लगते हैं, उसी टाइप से ये एंशिएंट यूरोपियन, एंशिएंट जो ग्रीक या लैटिन टर्म थे उनको भी मिडिवल टाइम में यूज कर रहे थे। तो अब आपको सेंस क्या देखना है कि इनका जो फॉरेस्ट शब्द का जो सेंस है वो क्या है? इनका सेंस है कि ऐसे एरिया जहाँ ट्री की प्लांटेशन की गई है, जहाँ ट्री प्लांटेड है। ये पूरा एरिया नेचुरली नहीं है, ये पूरा एरिया प्लांटेड है, आर्टिफिशियली प्लांटेड है ह्यूमन बाय ह्यूमन बीइंग। इससे एक मिलता जुलता आजकल आपने एक नया टर्म और सुना होगा, वो है जंगल। ये जंगल यूरोप का टर्म नहीं है, ये जंगल इंडियन टर्म है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो यूरोप में जैसे मैंने बोला उनके यहाँ तो कभी नेचुरल कुछ है ही नहीं। एंशिएंट यूरोप में कुछ रहा होगा नेचुरल फॉरेस्ट, वो तो उन्होंने काट दिया। जब मिडवेल के टाइम पे जो उन्होंने प्लांटेशन करना शुरू किया तो वो तो नेचुरल था नहीं, तो वो जिसे वो फॉरेस्ट बोल रहे थे वो तो एक टाइप से आर्टिफिशियल प्लांटेशन थी जिसमें कुछ ही स्पीसीज थी, 4, 5, 6, 10 स्पीसीज की जो भी प्लांटेशन मिक्सअप में किया होगा, केवल वहां पर वही स्पीसीज होंगे और तो अदर स्पीसीज है ही नहीं। जबकि हमारा जो जंगल था वो पूरा का पूरा नेचुरल था और इसकी दर बायोडायवर्सिटी थी। दूसरा इनकी बात की जाए तो इनकी जो स्पीसीज है, ये एक तो मैंने बोला स्पीसीज कंपोजिशन के बेस पे हम बोल सकते हैं, दूसरा ह्यूमन इंटरफेरेंस बोल सकते हैं। तो ये जो है ह्यूमन, तो ये तो है पूरा का पूरा ह्यूमन बींग के बेस पे ना, जबकि ये तो पूरा अपना नेचुरल है। तो हमारा जो जंगल है उसमें और फॉरेस्ट में बहुत डिफरेंस है। यही वजह है कि जब ब्रिटिश आए और इसके बाद जब पूरा ब्रिटिश इंडिया मींस जब यूरोप और जब साउथ अमेरिका में ये ब्रिटिश रूल पहुंचा, तो ये जो जंगल टर्म है ये पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइज हो गया। तो मींस हमारा जो जंगल टर्म है वो ऑक्सफोर्ड ये इसमें जुड़ करके आज पूरी वर्ल्ड में यूज किया जाता है। और इसके टाइप से दो सेंस होते हैं कि फॉरेस्ट मतलब वो एरिया, नेचुरल एरिया जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस है, या फिर आर्टिफिशियली प्लांटेशन एरिया है, वो सब के सब क्या है? फॉरेस्ट। और जंगल वो एरिया है जो बिल्कुल नेचुरल टाइप की है। तो वन और जंगल में थोड़ा डिफरेंस है। हिंदी में भी फॉरेस्ट जो है आप किसका दे रहा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। हम उसे क्या बोलते हैं? वन विभाग। तो ये जो वन विभाग है, फॉरेस्ट है, उसको वन बोला जाता है, उसको जंगल नहीं बोला जाता है। मीन्स जंगल और वन में फर्क है।
जंगल मीन्स ऐसा एरिया जो अनमैनेज था, जिस पे कोई राजा वगैरह कोई कंट्रोल नहीं है, वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल एरिया अपने आप नेचुरल रूल में गवर्न कर रहा है। तो हाँ, आज के तो यही वजह है कि हम वन विभाग टर्म यूज करते हैं, हम उसे जंगल नहीं करते, क्योंकि ये वो एरिया होता है जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा होता है, उसे मैनेज कर रहा होता है। तो अपने आज के प्रेजेंट टाइम के जो जंगल है मीन्स फॉरेस्ट है, तो अपने 99% जो एरिया है वो सबके सब वन विभाग, कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस है। तो 99% अपने पास वन है, हार्डली 1% है जो जंगल के अंडर कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसके बाद हमारे जो मेन सेंस आता है वो आता है कि आखिर फॉरेस्ट जो है, हमने ये समझ लिया कि फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट एक तो समझ लिया कि ये लैटिन टर्म है, दूसरा हमने समझ लिया कि ये लैटिन टर्म है, इसका मतलब लैटिन टर्म कौन सा है, फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या, आउटसाइड ऑफ विलेज बाउंड्रीज। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है उन्हें भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि जब एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं वहाँ सीधा सीधा आपको डेफिनेशन मिलेगी और सीधा पूछ लेते हैं कि ये क्या होता है। इसमें कन्फ्यूज इसी ये है कि जब एक बार फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर इस टाइप के टर्म मिल जाते हैं, तो कई बार थोड़ा लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखने जरूरी है। मैंने जो आपको मिडिवल यूरोप की स्टोरी सुनाई, उसके पीछे रीजन ही यही है। वहां पर दो सेंस है। पहले तो आप डेफिनेशन देखो, एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। तो ये यूरोपियन क्या कर रहे थे, ये यही तो कर रहे थे कि इनका जो विलेज, विलेज का जो एरिया था, तो उसकी जो विलेज की बाउंड्री का एरिया है, वो एक टाइप से उन्होंने प्रोडक्शन सिस्टम से, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम से इस एरिया को बाहर कर दिया। उन्होंने से बोला कि भाई ये एरिया हमारा टोटल एरिया में से ये 10 या 20% हिस्सा है, इसे हम छोड़ देते हैं, इस पर हम खेती बाड़ी नहीं करेंगे, इस पर हम वुड लैंड उगाएंगे पर्पज है, जिससे हम उससे टिम्बर या अदर जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है, जैसे कि गम है, रेजिन है, इस टाइप का कुछ कलेक्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट हम उससे एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, फॉरेस्ट की। अब इसमें कौन टेक्निकल है, कौन एनवायरमेंटल है, कौन कैसी फलाना डैम का, इन डेफिनेशन के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकती है, वो डेफिनेशन जो हम जंगल की समझते हैं, कि ऐसा कोई भी एरिया जो अनकल्टीवेटेड लैंड हो और जिस पर नेचुरल वेजिटेशन उगी हो, मीन्स जो वेजिटेशन है उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। हाँ, ऐसी हो कि कैनोपी उसकी क्लोज भी हो सकती है या पार्शली क्लोज हो सकती है, मीन्स इस टाइप का है कि डेंस फॉरेस्ट भी हो सकता है, मॉडरेटली डेंस हो सकता है, या हो सकता है कहीं थोड़े बहुत स्कैटर्ड हो, कोई क्लाइमेटिक वगैरह स्लाइडिंग वगैरह कोई इम्पैक्ट हो, इस वजह से थोड़ी पार्शियल क्लोज हो, तो वो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने मुद्दा कि नेचुरल वेजिटेशन होना चाहिए, उसमें ह्यूमन ने प्लांटेशन ना की हो, और जो लैंड है वो अनकल्टीवेटेड हो। ऐसा नहीं किसी के खेत में तुमने प्लांटेशन कर बोला फॉरेस्ट है हमारा। तो और इसका जो बेसिक पर्पज है वो है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो है वो कंपोनेंट होना चाहिए। यही वजह है कि ये वाइल्ड लाइफ कंपोनेंट हमें हेल्प करता है इस बात को करने में, कि जैसे कंपा के प्लांटेशन जो फॉरेस्ट के बाहर कर रखी है, उसमें और फॉरेस्ट एरिया में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में, क्योंकि हम कहीं प्लांटेशन कर देते हैं तो उसमें वाइल्ड लाइफ कंपोनेंट जल्दी नहीं आ पाता। एक हमारी तीसरी डेफिनेशन है, वो सीधा ये बोलते हैं कि हम किसी भी एरिया को, इसे हम बोल सकते हैं लीगल डेफिनेशन, कि कोई भी फॉरेस्ट को हम तब भी फॉरेस्ट बोल देते हैं, चाहे वो सेंटर स्टेट, सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या कोई पंचायत राज या कोई कम्युनिटी, कोई भी हो, कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का ऑर्गन, अगर किसी एरिया को ये डिक्लेयर कर देता है कि ये एरिया फॉरेस्ट है, तो भाई वो फॉरेस्ट है। हम कौन होते हैं इसे बोलने वाला, चाहे उस पर पेड़ लगे हों या ना लगे हों, बस उसने बोल दिया कि ये फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट है। तो इस टाइप से फॉरेस्ट की तीन डेफिनेशन। आप छोटी सी इस पर एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहला तो एक्सरसाइज में अपना पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये फॉरेस्ट वर्ड है वो किससे ड्राइव्ड हुआ है। तो अपना क्या है, फॉरेस्ट टर्म से ड्राइव हुआ, कहाँ मिल गया, ये रहा अपना फॉरेस्ट। ठीक है, पेन मोटा लेना पड़ेगा। दूसरा, वर्ल्ड फॉरेस्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम किस लैंग्वेज से, तो अपनी कौन सी है, लैटिन। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्या है, एरिया सेट असाइड, एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर,
हमने एक पूरा टिम्बर के लिए अलग ही एरिया रख रखा है, उसको हम क्या बोलेंगे। तो इसने क्या किया, सीधा डेफिनेशन उठा के डाल दिए। तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाहता है। वो मिडवल यूरोप वाली स्टोरी बता रहा है कि भाई एक विलेज था ने उसके आउटर बाउंड्री वाला एरिया ने छोड़ रखा था। तो ये क्या है अपना, ये आ गया फॉरेस्ट। अब अपनी थ्योरी पे वापस चलते हैं। यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि फॉरेस्ट क्या है, लेकिन क्योंकि फॉरेस्ट एक ही जैसा तो नहीं होगा, जैसे हम इंसान को बांट देते हैं छोटा है बड़ा है मोटा है पतला है, तो फॉरेस्ट को भी हम उसी टाइप से क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक क्लासिफिकेशन उसके एज के बेस पे हो सकता है, दूसरा क्लासिफिकेशन उसके कैसे उगाया है फॉरेस्ट, इंसान ने लगाया है नेचुरल है, उनके कंपोजिशन के बेस पे हो सकता है फॉरेस्ट मिलकर किससे बना है, ये फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी किसकी है, गवर्नमेंट की है प्राइवेट है या कॉरपोरेट है, मतलब दोनों की पीपीपी मोड में चल रही है, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल फॉरेस्ट है, इकोलॉजिकल बेसिस हो सकते हैं, लीगल बेसिस हो सकते हैं, और मैनेजमेंट वगैरह ऑब्जेक्टिव है। तो इन्हें एक एक करके देखेंगे क्योंकि इन पे ऑलमोस्ट सभी पे क्वेश्चन आए हैं। तो हम पहला देख लेते हैं एज के बेसिस पे। इन एज के बेसिस पे कौन से हैं, एक को हम बोल सकते हैं इवन एजेड और दूसरे को बोल सकते हैं अनइवन एजेड। इवन एजेड मतलब यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट है जितनी भी वेजिटेशन है इन सब की जो एज ग्रुप है वो ऑलमोस्ट एक ही है, मीन्स 2-4% का वेरिएशन हो सकता है, बट एक ब्रॉडली बोला जाए तो ये सभी के सभी एक ही एज ग्रुप के हैं। यही वजह है कि हम इन्हें रेगुलर फॉरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक टाइप की एक रेगुलरिटी है, सभी के सभी एक ही एज लिमिट के हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही क्लास ऑफलाइन ले रहा होता हूँ और एक बैच बैठा हुआ है, तो एज जो बैच होगा जो स्टूडेंट होंगे वो किस एज ग्रुप के होंगे। फॉर सपोज इन सभी का जो एज ग्रुप है वो होगा 25-30 ईयर्स, एक एवरेज एज ग्रुप है, मेजोरिटी अपना जो है वो इसी का होगा। यहाँ पर आपको कोई 60 ईयर या 90 ईयर या 100 ईयर का नहीं मिलेगा, या फिर कोई इधर 10 ईयर या 15 ईयर का या 5 ईयर का नहीं मिलेगा। तो जो एक एज ग्रुप है वो लगभग इसी का होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वेजिटेशन है वो एक टाइप की रेगुलर है, इनके बीच में एक डिफरेंस मेजोरिटी कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं होता, सबके सब एक सिमिलरिटी टाइप की है। वहीं अगर अपना दूसरा बात की जाए अनइवन एजेड की, तो ये वो कंडीशन है जहाँ वेजिटेशन जो है उसके बीच में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। जैसे आपकी कॉलोनी अगर देख लेते हो, कॉलोनी में क्या होगा, सभी एज ग्रुप के लोग उतर जाएंगे, तो वैसे ही यहाँ पर चलेगा। अनइवन फॉरेस्ट यानी कि जैसे हमने जंगल जो टर्म डिस्कस किया था, अनइवन एज फॉरेस्ट एक टाइप के जंगल हो गए जहाँ हर टाइप की वेजिटेशन है, उनकी एज ग्रुप में बहुत वेरिएशन है, इसलिए वो सबके सब अनइवन एजेड है, मतलब किसी की भी एज एक ग्रुप में नहीं आती, सब अलग अलग एज ग्रुप में आ जाते हैं, इसलिए हम इन्हें बोल देते हैं इररेगुलर फॉरेस्ट। तो एक्चुअल में जो नेचर प्रोड्यूस करती है वो हमेशा अनइवन एजेड या इररेगुलर फॉरेस्ट ही बनाती है। इवन एजेड फॉरेस्ट तो जनरली मैनमेड फॉरेस्ट ही होते हैं, क्योंकि मैन ही है जिसने, सपोज आप कल दिमाग घूम जाता है और कल जाकर किसी फार्म में 100 हेक्टर एरिया में टिक की प्लांटेशन कर देते हो, तो वो जो टिक की प्लांटेशन है वो तो इवन एजेड हुई ना। ओके, अब यहाँ पर एक इशू और है, वो इशू होता है कि एक टर्म कभी क्वेश्चन आता है कि जो इवन एजेड फॉरेस्ट है या ट्रू इवन एजेड फॉरेस्ट है वो हमेशा मैनमेड ही नहीं होंगे या मैनमेड ही होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमें लगता है कि ये एक्सट्रीम सेंटेंस है, ये नहीं होगा। तो देखो ऑब्वियसली है कि जो ट्रू इवन एजेड फॉरेस्ट है, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जो 100% इवन एजेड ही हो, तो नेचर तो बनाएगी नहीं, तो ऑब्वियसली मैनमेड होंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर यही जाएगा। एक दूसरा और इशू है, देखो क्या है कि हमेशा आपने ये बोल दिया कि मैं किसी एरिया में गया वहाँ पर 100 पेड़ थे और सभी के सभी की एज जो है वो 45 ईयर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, 1-2 साल का डिफरेंस चलता है, लेकिन ये डिफरेंस कहाँ तक है कि हम कहाँ तक परमिट करेंगे। तो इसके केस में होता क्या कि जैसे जो ट्रीज होते हैं, आपने कभी देखा होगा कि आपके आसपास घरों के आसपास कोई पुराने पेड़ हैं 40 साल 50 साल 60 साल, जो पेड़ आपके यहाँ 1-2 साल पहले लगाए गए हैं उनमें ग्रोथ जो होती है वो बहुत फास्ट होती है,
लेकिन जो ट्रीज हैं जो एक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, इसके बाद उनमें जो ग्रोथ की स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो यही वजह है कि जो प्लांटेशन आपने 100 ईयर या उससे ऊपर के रोटेशन पीरियड के लिए लगाई है, तो जो प्लांट की जो एज है वो 120 ईयर है, या किसी प्लांट की एज 100 ईयर है, तो 100 और 120 ईयर के बीच में जो मोटाई या डायमीटर में जो डिफरेंस होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा, एक छोटा मोटा लेवल का डिफरेंस होगा। तो इन दैट केस हम उसमें लगभग 25% तक की फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं। मतलब अगर आपकी क्रॉप जो है उसका रोटेशन आपने सपोज 100 ईयर फिक्स कर रखा है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर 125 तक और इधर 75 तक, तो 125 75 इस बैंड की अगर ट्रीज हैं इस बैंड में, एक्चुअली आप 25% देते हो, तो ये लगभग ये इस इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो अगर इस बीच में है वो, तो उसे आप मान के चल लेते हो कि हाँ ये फॉरेस्ट ऐसा है जो 100 के आसपास का, प्लस माइनस 20-25, मान लो 15-20, तो ये एवरेज इसी के ग्रुप के हैं, इन्हें हम इवन एजेड मान लेंगे, क्योंकि आपको नेचर में कभी 100% तो मिलने वाले हैं नहीं। तो अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए हम उसे नेचुरल रीजनरेशन वाले टाइप में 25% को छोड़ करके हम मान लेते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मीन्स पढ़ाना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, कई बार आए हैं कि अगर कोई प्लांटेशन है, अगर उसकी जो एज ग्रुप है वो अगर 100 ईयर से ज़्यादा का रोटेशन है, तो हम कितने लिमिट तक उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं और उसे इवन एज में कंसीडर कर लेते हैं। हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं एक आध क्वेश्चन का, जैसे यहाँ BHU का क्वेश्चन है, तो इसमें ये बोला था इन नेचुरल अनइवन एजेड फॉरेस्ट है, तो वो नेचुरल अनइवन एजेड फॉरेस्ट है, इसमें कितनी परसेंट है रोटेशन का हम यूजुअली अलाउ, वेयर फॉरेस्ट इज नॉट हार्वेस्ट फॉर मोर देन 100 या उससे मोर देन, तो कितना करोगे। कहने का मतलब वो ये बोला कि कोई एक अनइवन एजेड नेचुरल फॉरेस्ट है, आप कितने परसेंट तक उसमें अलाउ कर देते हो अगर 100 ईयर से ज़्यादा रोटेशन है, कि आप उसे इवन एजेड में कंसीडर कर लो। इसने इवन एजेड टर्म तो इसमें यूज़ नहीं किया, लेकिन सेंस वही जाता है। तो आप इसमें आंसर क्या लगा दोगे, 25%। अपने वापस थ्योरी पे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे। दूसरा अपना फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है वो बेस है मोड ऑफ रीजनरेशन पे। आपने फॉरेस्ट किस पे लगाया, एक तो आपके पास ऑप्शन ये हो सकता है कि आपने जो फॉरेस्ट है या प्लांटेशन है वो किस पे लगाया, सीड के थ्रू लगाया, या आपने जो लगाया है वो किसके थ्रू है, वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव में क्या हो सकता है, या तो कुपाइस हो सकते हैं, या रूट सकर हो सकते हैं, या राइजोम हो सकते हैं। आपने राइजोम भी टर्म याद लिख सकते हो, राइजोम है, रूट सकर है, रूट सकर है, तो ये कुछ भी, ये जो कुपाइस है उसके बारे में आपको बता दूंगा। जैसे ये कोई पेड़ था, अगर आपने इसे यहाँ से कट कर दिया, तो आपको देखोगे कि जैसे ये कट कर दिया, तो कुछ दिनों बाद इसमें नए स्प्राउट निकल आते हैं, तो जो न्यू स्प्राउट होते हैं इन्हें बोलते हैं कोपाइस। ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। तो इस टाइप के जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, चाहे वो कोपाइस से हो, रूट सकर से हो, या राइजोम से हो, तो हम इन्हें जनरली कोपाइस फॉरेस्ट में कंसिडर करके चलते हैं। दूसरा जो सीड से होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, हाई फॉरेस्ट। ये दर पूछा गया है हाई फॉरेस्ट और कुपाइज फॉरेस्ट रीजनरेशन के बेस पे, इसे तो याद ही रखना है। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हाई फॉरेस्ट MPPSC 2012 में है, MPPSC ये 2011 में क्वेश्चन पेपर हुआ था एक्चुअली। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हाई फॉरेस्ट आर, हाई फॉरेस्ट किसे बोलेंगे, तो ये सीधा सा है, ड्राइव फ्रॉम रूट सकर, नहीं से बोलेंगे हम कोपाइस फॉरेस्ट, ड्राइव फ्रॉम कोपाइस रूट, तो ये भी वही बोलेंगे, सेकेंडरी फॉरेस्ट, सेकेंडरी फॉरेस्ट का अलग ही सेंस आता है, ड्राइव फ्रॉम सीड, तो अपना आंसर जाएगा हाई फॉरेस्ट। दूसरा देख लेते हैं, BHU का है, एंट्रेंस है मास्टर के लिए, हाई फॉरेस्ट द रीजनरेशन इज ऑब्टेन बाय, तो हाई फॉरेस्ट में जो रीजनरेशन है वो हम किससे ऑब्टेन करते हैं, तो हाई फॉरेस्ट में हम किससे करेंगे, बाय सीड से। अपना थर्ड पिलर पे चलते हैं, वो है अपना कंपोजिशन के बेस पर, कि आपका फॉरेस्ट है वो प्योर है या मिक्स। देखो मिक्स पे तो कोई डिस्कशन वाला इशू ही नहीं है, मिक्स मतलब उसमें बहुत सारी टाइप की स्पीसीज होंगी, हर स्पीसीज का अपना पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन इसमें होगा। अब बात आती है अपनी प्योर फॉरेस्ट की,
प्योर फॉरेस्ट के साथ दो कंडीशन है। यूजुअली हम क्या कंसीडर करते हैं कि अगर कोई कंपोजिशन है, मींस ये सपोज ये फॉरेस्ट है, अगर इसमें कोई स्पीसीज, कोई सिंगल स्पीसीज अगर उसका 80% या उससे ज्यादा का हिस्सा बना रही है, तो हम इसे उसी स्पीसीज का फॉरेस्ट बोल देते हैं। अगर ये 80% ज्यादा, अगर मींस यहाँ पर 100 पेड़ हैं, 100 में से 80 या मोर देन 80 अगर टीक है, तो हम इसे टीक का प्योर फॉरेस्ट बोल देंगे, टीक प्योर फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपको जो आंसर याद रखना है वो आपको यही रखना है। आपको यहाँ दोनों आंसर रखने के पीछे वजह है, क्या होता है कि जो पेपर सेटर होता है उसको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, उसने कहीं से कॉपी पेस्ट मार दिया। तो कई बार क्योंकि कुछ बुक्स में ये 50% भी लिख रखा है, उन्होंने बोल रखा है कि 50% से ज्यादा अगर कहीं प्लांट वेजिटेशन है उसे हम प्योरेस्ट हैंड बोल देते हैं, तो कहीं से उन्होंने दे रखा है। जैसे एपी द्विवेदी है, इन्हीं ने बुक के फ्रंट पर 50% दे रखा है, और बीच में जो 7th या 8th नंबर का टॉपिक है उसमें उन्होंने ये 80% को दे रखा है। तो इस टाइप के केस में 50% भी आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, 50% का ऑप्शन लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको आया, जब भी पाला पड़े, तो सबसे पहले देखो कि क्या उसमें 50% से मोर या 80% से मोर वाला ऑप्शन है क्या। अगर उसमें दोनों है तो 100% आपको 80% पे ही जाना है। लेकिन अगर किसी ने 80% ऑप्शन ही नहीं दिया, केवल 50% से मोर देकर के काम चला लिया उसने, तो समझ लो कि वो सामने वाले को ये 50% से मोर वाले ही ऑप्शन को पता था और वो वही उसका आंसर है। अब इसके पीछे एक थिंक और है, ये जो 50% से मोर या 80% मोर, इसको आपको डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको थोड़ी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो कंपोनेंट है ये 60% से मोर भी होता है और 70% से मोर भी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार स्पीसी स्पेसिफिक है। जैसे आपको ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं साल के केस में सपोज है, अगर वहाँ पर 60% से मोर साल है तो हम उसे साल का प्योर फॉरेस्ट मान लेंगे। तो ये इन चीज़ों को आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे बोला आपको PhD नहीं करनी है फॉरेस्ट्री में, तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होने की वजह से इसमें ये नहीं इशू है कि ये 50 पढ़ा 80 पढ़ा क्या, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इसका हर स्पीसीज के हिसाब से डिपार्टमेंट है, जो लोग बैठे हुए हैं जो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, कोई टाटा कंपनी ने सील लगा के नहीं दिया है। बट हमारा पर्पज यहाँ एग्जाम निकालना है, तो आपके पास, मैंने जैसे बोला, आपके पास फर्स्ट चॉइस यही मिलेगी, आप ऑप्शन में यही ढूंढोगे। अगर ये ऑप्शन नहीं मिले तो फिर आपके पास नेचुरली ऑप्शन ये जाएगा, और अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो आप फिर भी तब भी आप 80% के पास ही रहेंगे। अब इस पर एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। जैसे प्योर फॉरेस्ट आर कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ वन स्पीसीज, यूजली ऑफ एक्सटेंट टू नॉट लेस देन। हम कब बोलेंगे कि कोई फॉरेस्ट है वो प्योर फॉरेस्ट, कब बोलेंगे जब वो एक स्पीसीज कम से कम इस परसेंटेज से ज्यादा हो, इस परसेंटेज से कम ना हो। तो अब यहाँ पर सीधा है, एक ऑप्शन आपको 50% भी मिल गया, 1% 80 भी मिल गया, तो मैंने आपसे सीधा बोला आप 80 पर ही जाएंगे। अगर आपके पास 80 ना मिले ऑप्शन में, इन दैट केस आपके पास सेकेंड ऑप्शन है। अब यहाँ पर बोला अ मिक्स स्टैंड इज वन इन विच लेस देन परसेंटेज ऑफ ट्री आर सेम स्पीसीज, कि अगर मिक्स स्टैंड का बोलेंगे जब वहाँ पर कोई स्पीसीज है वो इस परसेंटेज से नीचे हो, तो मीन्स 80 या 80 से ऊपर होगा तो प्योर हो जाएगा, तो उससे नीचे है तो अपनी क्या आ जाएगी, मिक्स आ जाएगी। यहाँ पर ये ICRGRF का क्वेश्चन है 2019, इनने क्या कर रखा था, बहुत ही थोड़ा लॉजिक सा घुमा दिया। इनने क्या किया, अ फॉरेस्ट कंपोज ऑफ 11 ट्रीज ऑफ टीक, आउट ऑफ विच 1250 जो है वो, इनने बोला कि एक फॉरेस्ट है जिसमें अ ट्री कम, बोला टोटल जो है ट्री वो थे 1250, उनमें से 1120 जो है वो टीक है। तो ये फॉरेस्ट प्योर है, मिक्स है, सवान है, तो क्या है? तो देखो, सवाना का मुद्दा ही नहीं होता है, स्कैटर ट्री होती है ग्रासलैंड में स्कैटर ट्री। हाई फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट जो सीड से ओरिजिनेट है, तो अपना आंसर आना है प्योर और मिक्स के बीच में।
अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपके 1120 जो ट्रीज हैं आउट ऑफ 1250, तो ये ऑलमोस्ट 80% से वैसे ऊपर चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या फॉरेस्ट हुआ, काउंट कर लेना है, इसे कैलकुलेट करना है, ये यूजुअली 80% से अबव चला जाएगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस जो है वो इसमें 80 इसका बचा और 50 ये, मीन्स 130 का ही डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट 90% के समथिंग चला जाएगा ये। तो ये क्या हो गया आपका प्योर फॉरेस्ट स्टैटिक का। अब अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो जैसे एक है ऑनरशिप के बेस पे, कि ये फॉरेस्ट आपका है वो गवर्नमेंट ओन्ड है प्राइवेट ओन्ड है। तो देखो गवर्नमेंट जो है इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट, उसमें 96% फॉरेस्ट है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। प्राइवेट कैसे होते हैं, प्राइवेट कंपनियों के पास होते हैं, जैसे कि टाटा कंपनी है, टाटा की कोई फैक्ट्री है, मीन्स मोबाइल ऑटोमोबाइल की है, व्हीकल इंडस्ट्री है, तो ये जो इंडस्ट्री फैक्ट्री है ये नोइज प्रोड्यूस करते हैं। इस नोइज को रोकने के लिए ये क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्री के चारों तरफ एक फॉरेस्ट का एक ग्रीन बेल्ट बनाते हैं। ये जो ग्रीन बेल्ट बनाया है इन्होंने, इस ग्रीन बेल्ट को क्या बोलते हैं, ये कंजर्वेशन के लिए इस टाइप का प्रोटेक्शन एक बेल्ट बनाते हैं, बफर बनाते हैं, मफलर बनाते हैं। इस बफर जोन मीन्स क्या है, जो फॉरेस्ट है वो क्या किस टाइप का होगा, प्राइवेट फॉरेस्ट। तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो कोई फॉरेस्ट है वो कोई पंचायत के अंडर आ गया हो, पंचायत लैंड है, कॉरपोरेट है, सोसाइटी के अंदर है, इस टाइप का फॉरेस्ट हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कॉरपोरेट का, ये पंचायत या सोसाइटी का है। एक होता है फॉरेस्ट को मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट के बेस पे भी मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट के बेस पे कैसा, कि आप जो फॉरेस्ट मैनेज कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसे प्रोटेक्शन पर्पज के लिए कर रहे हो या प्रोटेक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर कहीं प्लांटेशन कर रखी है, उसका ऑब्जेक्ट है कि ये वाटर जो, जैसे हिमालय है, हिमालय में पेड़ लगाने को प्रमोट जो किया जा रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, कि वाटर के रन ऑफ को रोके, जिससे तराई वाले रीजन में फ्लड की जो इशू है उन्हें सॉल्व किया जा सके। तो वहां पर क्या चल रहा है, प्रोटेक्शन पर्पज चल रहा है, कोई प्रोडक्शन की लगा सकता है, जैसे कि देहरादून के आसपास के जो चीड़ पाइन प्लांटेशन है वो किसके लिए है, रेजन टेपरिंग के लिए, तो वो प्रोडक्शन के लिए है। सोशल फॉरेस्ट्री क्या हो सकता है, जैसे आपके रोड के साइड में प्लांटेशन कर दी गई है, एवेन्यू प्लांटेशन है, तो वो क्या सोशल पर्पज के लिए है, जिसका पर्पज इस टाइप का है कि भाई ये पेड़ लगेंगे तो जो ट्रेवलर है उन्हें भी रिलैक्स मिलेंगे, और जो आसपास के विलेज वाले हैं उन्हें भी फूल फूडा टिम्बर वगैरह प्रोड्यूस मिल जाएगा। तो इस टाइप से मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट आ गया। इसके साथ हम अगले पॉइंट पे देख लेते हैं ग्रोविंग स्टॉक के बेस पे। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ग्रोविंग स्टॉक होता क्या है। ये जैसे एक एरिया है, यूनिट एरिया है, ये फॉरेस्ट का एक पैच है। इस पैच पे जितना भी वूड है, जितना भी ये टिम्बर खड़ा हुआ है, इसमें मीटर क्यूब है वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम पर यूनिट एरिया में जो है, इसी को हम क्या बोल देंगे, ग्रोविंग स्टॉक। अब ग्रोविंग स्टॉक के साथ दो कंडीशन है, कैसे, जैसे सपोज आपकी एक रीडिंग हैबिट है, आपने क्या किया, आज 10 पेज पढ़ते हो, कल 10 पेज पढ़ोगे, परसों 10 पेज पढ़ोगे, नरसों 10 पेज पढ़ोगे, तो इस टाइप की जो आपने एक स्टैंडर्ड बना रखा है अपना पढ़ने का, ये आपका है एक स्टैंडर्ड जो है, इसे बोला गया नॉर्मल लेवल आपके लिए, ये आपके लिए नॉर्मल है। नॉर्मल मीन्स यहाँ स्टैंडर्ड होता है, नॉर्मल एज यूजुअल नहीं होता है, नॉर्मल का मतलब एक स्टैंडर्ड टर्म यूज किया जाता है कि ये स्टैंडर्ड है। अब आपकी जब पढ़ाई शुरू होती है पहले दिन से, तो जिस दिन शेड्यूल बनाते हो उस दिन तो भाई धमाका करते हो, फिर दूसरे दिन नीचे आ जाता है, फिर तीसरे दिन आता है, चौथे दिन इधर आता है, और पांचवें छठवें बाद ये यहीं पर रह जाती है। तो अगर आपका 10th डे आपका नॉर्मल यहाँ था और आप यहाँ पर रह गए, तो आपको क्या हो गया, डेफिसिट है, आपका जो स्टैंडर्ड था या जो नॉर्मल कंडीशन थी आप उससे नीचे आ गए हो, तो आप बिलो नॉर्मल चले गए हो, और अगर आप इसके ऊपर चले जाते तो आप अबव नॉर्मल चले गए। तो इन दोनों ही केस में हम इसे बोल देंगे कि आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो, आपकी जो डाटा है वो एबनॉर्मल है। तो वैसे फॉरेस्ट का पर यूनिट एरिया में एक वॉल्यूम होता है प्रोडक्शन का, हमें इसलिए ध्यान रखना होता है क्योंकि हर एक वॉल्यूम फिक्स है एक एज के हिसाब से, अगर वो रेगुलर है तो मतलब हमें सस्टेनेबल यील्ड मिल रही है।
अगर वो वॉल्यूम में ऊंच नीच हो रही है, इसका मतलब है हमें एक्चुअल में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रखी है, सही से प्रोडक्शन नहीं है। चाहे तो ओल्ड एज वाले पेड़ ज़्यादा हो रखे हैं या यंग जनरेशन कम हो रखी है, यंग जनरेशन ज़्यादा है, इस टाइप के कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ अनबैलेंस है। तो ये कौन क्यों कौन तीन चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम किसी सिस्टम को बोलते हैं कि नॉर्मल है या नहीं है। तो इसका पहला पिलर है कि यहाँ पर जो एज क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है और ग्रोविंग स्टॉक और नॉर्मल इंक्रीमेंट, ये तीन पिलर हैं। तीनों के टर्म याद रख लो, इन्हें अभी समझ में नहीं आएंगे लेकिन जब फॉरेस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे तब ये तीनों टर्म बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो ये जो तीन टर्म है इन्हें बोलते हैं ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स। किसी भी चीज़ को नॉर्मल होने के लिए तीन टर्म होना चाहिए, तीनों शब्द नॉर्मल होना चाहिए, तभी हम उन्हें ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म बोलेंगे। तो यहाँ ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म मिलती है, यहाँ ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म नहीं मिलती है। यहाँ मिलती है इसलिए नॉर्मल फॉरेस्ट है, यहाँ नहीं मिलती है इसलिए एबनॉर्मल फॉरेस्ट है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ फॉरेस्ट टाइप क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रोविंग स्टॉक। तो बोला ग्रोविंग स्टॉक के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है, मीन्स कौन है ग्रोविंग स्टॉक के बेस पे। तो अब इसमें देखो प्योर का तो कोई कंपोजिशन है, प्रोडक्शन प्रोटेक्शन है, हाई फॉरेस्ट सीड के ऊपर, तो ये नॉर्मल फॉरेस्ट ही आ जाता है। अब अगले पॉइंट पे देख लेते हैं लीगल लीगल बेसिस पे। इसे याद रखना है आपको, लीगल मीन्स जो अपना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, कौन सा वाला, 1927 का, क्योंकि जो 98 का है वो तो दो पेज का है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। तो अपने यहाँ जो कुछ चल रहा है वो तो 27 का ही चल रहा है। तो ये जो एक्ट है ये बड़ा एक्ट है। एक्ट को क्या किया जाता है, जब बड़ा होता है तो उसको कुछ छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइडेड कर दिया जाता है, और उस चैप्टर में छोटी छोटी गिनती में जैसे पढ़ा होगा दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे नंबर जो होते हैं वो सेक्शन होते हैं। आर्टिकल टर्म यूज नहीं करते, आर्टिकल तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज करते हैं। रिमेनिंग जितने भी एक्ट आएंगे उनमें वो जो टर्म होते हैं 1, 2, 3 इस टाइप की जो नंबरिंग होती है, उन्हें आर्टिकल यूज ना करके हम सेक्शन टर्म यूज करते हैं, सेक्शन और सब सेक्शन। तो जब बड़ा एक्ट है तो हम कुछ चैप्टर में डिवाइडेड करेंगे। तो यहाँ पर एमसीक्यू वालों को ये याद रखना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा चैप्टर किसके लिए है। तो इसे सिंपल से कैसे याद रखेंगे कि सपोज ये एक विलेज वाला एरिया है, विलेज था, ये कुछ घर थे विलेज के, ये कुछ विलेज थे, ये जंगल था जो फॉरेस्ट जो ब्रिटिश वाले थे इन लोगों के लिए थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट था ये वाला, तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट था। तो उनने क्या किया, इस एरिया पर पूरी टाइप से बोल दिया ये इस पर मेरा हो गया रिजर्वेशन। क्या करवा लिया उनने, रिजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पर टी की प्लांटेशन अच्छी थी, तो इसे उन्हें रिजर्वेशन करवा लिया। बोला ये तो मेरी सीट है, मैं ही बैठूंगा। तो रिजर्वेशन आया तो इसलिए उन्होंने इसे डाल दिया सेकंड चैप्टर में। इसके बाद अब विलेज वालों ने हतोबा मचाना शुरू कर दी, बोला हमारा क्या होगा, हमारी तो जो घर जलते थे, जो मीन्स घर पे जो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, फूड बनाना है, घर बनाना है, स्वयं शाम जो रोटी पकानी है उसके लिए तो टिम्बर चाहिए, उसका क्या होगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, आपका जो गांव है उसके आसपास का एक एरिया छोड़ दिया है, आप इस एरिया की जो वेजिटेशन है उसको यूज कर सकते हो। तो इसको इन्होंने क्या बोल दिया, ये विलेज वालों को छोड़ दिया, तो इसे बोल दिया विलेज फॉरेस्ट। तो विलेज फॉरेस्ट कब आया, थर्ड में, पहला सेकंड ब्रिटिश का आया, थर्ड विलेज वालों का आया, फर्स्ट है ही नहीं किसी का। फर्स्ट तो स्टार्टिंग का चैप्टर होता है जिसमें ही होता है ये एक्ट ये है फलाना टाइम का है, ये सब चीजें चलती रहेंगी, फर्स्ट में कुछ होता ही नहीं है, शुरुआत सेकंड से ही होती है। अब थर्ड में क्या होगा कि जो अपने पास अभी भी रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग कौन से, ये वाले जो एरिया बच गए हैं, ये वाले जो एरिया बच गए हैं, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, ये बोला ये रिजर्व तो नहीं है, इन्हें एक टाइप से हमने प्रोटेक्शन दे रखा है। क्या है प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्टेड है, इसमें गांव वाले भी इंटरफेयर कर सकते हैं लेकिन लिमिटेशन में। तो इस टाइप से आपको ये याद रखना है कि कौन सा फॉरेस्ट किस चैप्टर के अंडर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये याद होना चाहिए कि जो रिजर्व प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है वो फॉरेस्ट एक्ट 1927 के थ्रू है। अब यहाँ पर जैसे BHU का है, रिजर्व फॉरेस्ट इज एन एरिया कंप्लीट प्रोटेक्शन कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंग टू, ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है इनको किस एक्ट के थ्रू या किसके थ्रू इनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो देखो पॉलिसी का तो कोई लेना ही देना नहीं है, वाइल्ड लाइफ तो अलग ही जाता है,
वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने के लिए, इन्हें पे ज़्यादा डिटेल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जब हम इन्हें एक्ट को पढ़ाएंगे, एक पूरा पूरा आपका सब्जेक्ट है, तो ये डिटेल में सब कुछ पढ़ते हैं उसमें, तो ऐसा कन्फ्यूजन वाली कोई इशू नहीं है कि कुछ छूट रहा हो। तो ये जो फॉरेस्ट एक्ट है ये 1927 वाला एक्ट है, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं इसमें। यहाँ पर एक बात और है, ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ICAR वाले तो इसे रट्टा मार ही लें, और जो MCQ दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके पीछे रीजन है, जो NCA है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, इसको कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1970 में, किसके लिए, इंडियन एग्रीकल्चर जो थी उनको सुधारने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 1965 में ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू किया था, उसके 5 साल बाद ये देखा कि भाई ग्रीन रिवोल्यूशन चल तो रहा है लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो और क्या किया जाए। तो जब ये बनी और इसने जब 76 में अपनी रिपोर्ट दी, इस रिपोर्ट में इसने बोला था कि इंडियन जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, तो इसी कमीशन के बेस पे हमने दो चीज़ें बनाई थी, एक बनाई थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, और इसी की वजह से हमने ले आए थे जो 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वो उसके पीछे बैकग्राउंड यही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये कई बार पूछा गया है कि NCA कब बना, इसने रिपोर्ट कब दी 66 में, ये कई बार पूछा जा चुका है। अब हम इसके फंक्शन के बेस पे देखते हैं, ठीक है, आखिर फॉरेस्ट क्या फंक्शन क्या करते हैं, करते क्या है। तो फंक्शन के बेस पे हम देख सकते हैं कि एक तो हमारा देखो हमारा नॉर्मल होता है या तो प्रोटेक्शन होगा या प्रोडक्शन होगा, तो हमारा सीधा सा उसी से काम चल जाता है। दूसरा क्या है, हम फॉरेस्ट पॉलिसी का ये जो टिपिकल वाला है इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्या है कि भाई पॉलिसी का हिस्सा है तो इसे हमें मजबूरी बस पढ़ना ही पड़ता है। तो जो फॉरेस्ट पॉलिसी 52 बोलती है, फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से ये पॉलिसी बोल के गई थी कि हमारे यहाँ 4 टाइप के फॉरेस्ट होना चाहिए। बोला एक वो फॉरेस्ट जो प्रोटेक्शन का काम करें, इनका काम तो प्रोटेक्शन का है, फिर प्रोडक्शन वाले पार्ट में कर दिया कि देखो एक तो नेशनल के काम आए, दूसरे गांव वालों के काम आए, और तीसरे पेड़ पौधे खाली पीली में लगे हों। तो नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और ट्री लैंड और प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, ये कौन बोल के गया, पॉलिसी बोल के गई थी 52 की। बाद में जब NCA कमीशन है तो उसने भी इसी टाइप का बनाया था, उसने बोला था प्रोटेक्शन फॉरेस्ट, प्रोडक्शन फॉरेस्ट और सोशल फॉरेस्ट। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये जो सोशल फॉरेस्ट या सोशल फॉरेस्टी टर्म इंडिया में जो फर्स्ट टाइम यूज किया गया वो ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने किया था, कब, 1976। देखो ये सोशल फॉरेस्टी टर्म किसने दिया, वेस्टोबी ने कब दिया, ये लगभग 66 के समथिंग आसपास दिया था, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वेस्टोबी ने एक कांग्रेस हुई थी, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, ये कांग्रेस इंडिया में नहीं हुई थी, ध्यान रखो, क्योंकि कुछ बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वेस्टोबी ने ये टर्म दिया था 76 के आसपास, 67 के आसपास दिया था। इसी टर्म को नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने फर्स्ट टाइम यूज किया था, अपने इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज हुआ ये सोशल फॉरेस्ट्री टर्म, वो क्या हुए 76 में, इसने NCA कमीशन ने यूज किया था। इस पर क्वेश्चन आ चुके हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री टर्म इंडिया में फर्स्ट टाइम किसने यूज किया, तो वो है NCA कमीशन 1976। कब किया ये भी आ चुका है 76, किसने दिया, वेस्टोबी ने, दर पूछा गया। तो इस टाइप से ये हो गया, इन चक्कर में पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब इसके बाद एक और देख लेते हैं अपना, लगभग ऑलमोस्ट शायद 8 है, एक और बचा होगा, वो ही है इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल बेसिस। इसमें अपने आते हैं चैंपियन और सेठ भाई साहब, ये जो दो लंगूटिया यार थे, इन्होंने 1968 में ये दिया था, ये डेट याद रखना आपको, कौन थे, चैंपियन और सेठ। इन्होंने इससे पहले क्या बहुत बड़ा पचड़ा चल रहा था, कोई बोल रहा था इंडिया में फॉरेस्ट 25 टाइप के, कोई 40 टाइप के, कोई हर अपने नोट्स लेके आ जाता था। तो इन्होंने काफ़ी उस पर स्टडी की और इन्होंने बोल दिया कि देखो 16 तो है टाइप के, अब अगर आप नहीं मानते हो तो इन्हें 5 हम मेजर ग्रुप में डिवाइडेड कर सकते हो। फिर इन्होंने उन्हें सब टाइप में भी डिवाइड किया, समथिंग 221 के आसपास है, याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे इसे। लेकिन यहाँ पर देख लो कि ये 16 मेन टाइप और 5 मेजर ग्रुप में, इतने से अपना काम हो जाता है। अब रही बात ये कौन कौन से हैं, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में कौन से हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट है अपना पहला है ग्रुप वन। ग्रुप वन में है ट्रॉपिकल, दूसरे ग्रुप में सब ट्रॉपिकल, तीसरे ग्रुप में टेम्परेट, बकाए के पीछे माउंटेन तो लगा ही रहता है। तो ट्रॉपिकल में जो है वो है 7। अब देखो क्या है, ह्यूमन नेचर है, कितना भी याद रख लो याद नहीं होता। तो याद रखो ये सबसे ज्यादा पानी यहाँ पर है, तो ये है वेट एवरग्रीन। थोड़ा पानी कम हुआ तो सेमी एवरग्रीन, और पानी कम हुआ तो मस्ट कंडीशन, और ठीक है इतने से हो गया। और ये लास्ट है वो इसमें भी ड्राई एवरग्रीन रहेगा, ड्राई एवरग्रीन दूसरे मेजर ग्रुप में रहेगा। मैं यहाँ पर वो टर्म आपको बताऊंगा जो आपको याद रहना ही चाहिए। आपको पहला तो याद रहना चाहिए कि ये जो ग्रुप 4 है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिटोरल और स्वैम्प जो फॉरेस्ट है वो किस ग्रुप में आते हैं, तब वो आते हैं ग्रुप 4 में। राजस्थान पीएससी वालों को तो ये याद होना चाहिए, वैसे ये थोड़ा सिंपल है और सभी पूछते भी हैं कि ये जो थॉर्न फॉरेस्ट है वो थॉर्नी फॉरेस्ट किस ग्रुप में आते हैं, वो आते हैं 6 में। और ये कई बार पूछा जा चुका कि ये जो पाइन फॉरेस्ट है वो किस ग्रुप में आते हैं, और वो आते हैं ग्रुप 9 में। ठीक, रिमेनिंग है इन्हें अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से इसे याद कैसे किया जा सकता है उसे देख लेना। लेकिन एक बात याद रखना है कि जो मेजर ग्रुप 4 है इसमें केवल एक ही ग्रुप है, 4 वाले में, और 5 वाले में 2 है मोस्ट और ड्राई। तो इस टाइप से अपने हो जाते हैं। अब एक बार इस पर थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये है कि इकोसिस्टम बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है वो भाई कौन देखे गया, तो आपने चैंपियन एंड सेट कब दिया था इन्हें 68 में। अब इसका झंझट नहीं है कि 64 में कौन देखे गया, चैंपियन सेट ने 64 में क्लासिफाई किया था फॉरेस्ट टाइप को, तो कितने टाइप का किया फॉरेस्ट, तो इसके चक्कर हमें नहीं पढ़ना कि हमने तो 68 पढ़ा, ये 64 कैसे दे दिया। देखो ये क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर होता है, वो कई बार गड़बड़ कर देता है। और दूसरा ये जो 68 का दिया, ऐसा नहीं कि 68 में एकदम आ गया, इससे पहले इनके रिसर्च पेपर हुए थे, चैंपियन अपना अलग काम कर रहा था, 68 अलग काम कर रहे थे, इन दोनों के पहले काफ़ी पेपर पब्लिश हो चुके थे। बाद में ये 68 तक आते आते कंकरेंट लेवल पे आए थे, फाइनल लेवल पे आए, और इनका फाइनल पेपर पब्लिश किया गया था 68 में। तो कब किया है इसकी डेट आपको यही याद रहना। अगर पेपर वाले गड़बड़ कर देते हैं पुराने में तो हम उनका गला थोड़ी पकड़ सकते हैं, तो मैं टाइपिंग कैसे करती गलत। अब अपनी वो मेन लिस्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने फॉरेस्ट वाला इशू काम हो गया। अब अपना मुद्दा आ जाता है फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री होता क्या है, ये एक्चुअली जैसे फॉरेस्ट को उगाने का जो साइंस है उसे क्या हम बोलेंगे, फॉरेस्ट्री। अब उगाना कैसे है, इसमें देखो जैसे हमने नॉर्मल होती है कि अपना कोई भी सब्जेक्ट होता है उसकी थ्योरी भी होगी और उसमें क्या होगा अपना प्रैक्टिकल पार्ट भी होगा। तो इसका कहना है कि देखो थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों से मिलकर के हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट जो हम कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को उगा रहे हैं, हम उसको साइंटिफिकली मैनेज कर रहे हैं, जो हम नॉन जो हमारे नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से हम उसे मैनेज कर रहे हैं, और बाद में हम उसे काट पेड़ करके यूटिलाइज कर लेते हैं। ये पूरा जो बड़ा सा साइंस है इसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री क्या है, बहुत बड़ी स्ट्रीम हो गई। इसमें एक जो छोटा सा पार्ट है जिसमें हम इन पेड़ों को उगा रहे हैं, जैसे कि नर्सरी है जिसे हम सिल्वीकल्चर के अंदर पढ़ोगे, फिर हम इसके बाद इन्हें मैनेज करेंगे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट आ जाएगा। लास्ट में हम इनको काटेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, तो वो अपना फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन के नाम से सब्जेक्ट है, उसमें पढ़ेंगे हम इसे। अब जब काट लिया आपने, इसके बाद आपको मार्केट में बेचना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स। अब जब आप इन्हें मैनेज कर रहे थे उस टाइम पे कुछ डिजीज इंसेक्ट पेस्ट अटैक होगा, तो आप क्या करोगे, फॉरेस्ट पैथोलॉजी और फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी पढ़ोगे, या ह्यूमन इंटरफेरेंस है तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पढ़ोगे। तो इस टाइप का ये फॉरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा मेन एम है, पर्पज ये है कि इसमें सभी वो थ्योरी और प्रैक्टिस सभी जोड़ दी जो फॉरेस्ट को क्रिएशन से लेके उसके कंजर्वेशन मैनेजमेंट से लेके लास्ट में उसके हार्वेस्टिंग तक का है। तो इसकी जो बड़ी ब्रांच है इसको बोला जाता है फॉरेस्ट्री। तो यहाँ पर फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो फॉरेस्ट्री के कुछ टाइप्स भी आएंगे। तो पहला तो आपको डेफिनेशन याद रखना है, क्योंकि यहाँ अगर कभी भी आपको मिल गया कि थ्योरी और प्रैक्टिस, तो समझ लेना कि थ्योरी और प्रैक्टिस दो ही एक ही जगह होती है, और वो होती है फॉरेस्ट्री में। इसके बाद आता है फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन।
जो फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन है उसके बेस बहुत सारे हो सकते हैं, अपने अपने हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन चलता है वो ये होता है कि तुम फॉरेस्ट्री को किस लेवल पर यूज कर रहे हो, किस लेवल पर प्रिंसिपल्स जो है उन्हें यूज कर रहे हो। एक होती है इंटेंसिव फॉरेस्ट्री, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एग्रीकल्चर में एक टर्म होता है इंटेंसिव फार्मिंग। इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे एक फार्मर है, एक फार्मर छोटा एरिया है, इसके पास कितना 2 हेक्टर एरिया है, तो ये फार्मर क्या करेगा, इस 2 हेक्टर की स्टार्टिंग में निंदाई गुड़ाई जो करते हैं खेत की, वो बहुत अच्छी तरीके से करेगा, बिल्कुल स्पेलिंग बहुत, जो स्पेसिंग है जब प्लांटेशन इसमें करेगा तो स्पेसिंग बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करेगा, इसको प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरह से करेगा, इन सब का रिजल्ट होगा वो बाद में रेगुलेशन जो है वो सब कुछ यूज करेगा, तो इसका रिजल्ट होगा कि क्रॉप बिल्कुल एग्जैक्टली सही तरीके से ग्रोथ होगी। तो जो क्रॉप आज लगाई थी उसने अगर 8 साल की है तो 8 ईयर होते होते 8th ईयर, 8th ईयर पे जो रोटेशन है सब कुछ पॉपुलर लगा दिया था, तो 8th ईयर पे वो कट हो गई। जैसे ही वो कट हो गई उसके बाद उसने उसी साल से दूसरी क्रॉप ले ली, फिर तीसरी क्रॉप ले ली, फिर चौथी क्रॉप ले ली, तो इस टाइप से वो उस जमीन को कभी छोड़ता नहीं है। दूसरी बात, प्लांटेशन उसने जब पहली साल लगा दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जमीन पूरी तरह से कवर हो गई, अभी भी जमीन बची है, तो उस जो स्पेस बीच में बचा है जिसे प्लांटेशन ने कवर नहीं किया उसके अंदर कुछ उसने और लगा दिया, 2-3 साल उसने वीट की प्रोडक्शन ले लिया। तो इस टाइप से वो क्या कर रहा है, जो फार्मर है वो उस फॉरेस्ट की जो रिसोर्सेस है, जो सॉयल रिसोर्सेस है, उसको मैक्सिमम पोटेंशियल जो भी निचोड़ सकता है वो पूरा यूटिलाइज कर रहा है। तो इस टाइप से इंटेंसिव फॉरेस्ट्री मतलब वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से कर रहा है कि वो जो प्रोडक्शन दे सकती है, जो सॉयल है फॉरेस्ट की, जो जमीन है, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी जो परफॉर्म कर सकती है उसकी पूरी परफॉर्मेंस यूटिलाइज कर रहा है। अब एक दूसरा फार्मर है बी, इसके साथ क्या कंडीशन है, इसके पास एरिया कितना है 1000 हेक्टर। तो क्या 1000 हेक्टर में ये प्लांटेशन रेगुलर कर पाएगा, नहीं, तो जो बड़े एरिया है इसमें इसके प्लांटेशन में भी गड़बड़ी होगी, उतनी बेटर तरीके से प्रोटेक्शन वर्क नहीं कर पाएगा, अगर आप ये चाहते हो कि ये बीच में निदाई गुड़ाई करते हो तो नहीं कर पाएगा। तो ये वजह है कि ये जब बड़ा एरिया होता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया होता है, तो इस टाइप के केस में वहाँ पर इंटेंसिव वर्क करना पॉसिबल नहीं होता है, तो यहाँ पर हम जनरली करते हैं एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। मतलब यहाँ पर जैसे इंटेंसिव है वो कोई एक ही क्रॉप ले रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा फास्टली ले रहा होगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, कहीं पर नीम की प्लांटेशन कर दी, कहीं टीक कर दी, कहीं साल कर दी, कहीं यूकलिप्टस कर दी, कहीं बम्बू कर दी, तो इस टाइप से बहुत सारी स्पीसीज को एक साथ करके मल्टीपर्पज यूटिलाइज कर लेगा, पहला वाला नहीं कर सकता। तो ये जो एक्सटेंसिव है ये साइट पोटेंशियल को तो उतना प्रॉपरली यूज नहीं करेगा लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस टाइप से हम फॉरेस्ट्री को 2 टाइप से डिवाइड कर दिया, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मींस मैनेजमेंट इंटेंसिटी के बेसिस पे। दूसरा हमारा मैनेजमेंट क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बेस पे देख सकते हैं कि हम आखिर फॉरेस्ट्री जो है वो क्यों किस बेस पे कर रहा है, हमारा पर्पज क्या है। हमारा एक है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री। प्रोटेक्शन क्या हो सकता है, आप जैसे कि मैंने बोला कि जो हिमालय है तो हिमालय रीजन में जो पेड़ लगाए जा रहे हैं वो किसके किस लिए लगाए जा रहे हैं, जिससे वहाँ पर जो रेनफॉल है उससे रेन वाटर हार्वेस्ट मींस जो रन ऑफ है सॉरी जो रन ऑफ है उसको कम किया जा सके। रन ऑफ कम होगा तो क्या है, हिली रीजन में इरोजन कम होगा, फ्लडिंग की समस्या सॉल्व होगी, तो किस लिए है, प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा आपने जैसे एवेन्यू है रोड के किनारे प्लांटेशन कर रखी है, पेड़ लगा रखे हैं रोड के किनारे, किस लिए है, वो रोड को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस टाइप का यहाँ पर्पज जो है वो आपका प्रोटेक्शन पर्पज है, दिमाग में जो एम है वो प्रोटेक्शन पर्पज है, उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करना आपका मेन मेन मोटिव नहीं है, कुछ मिल रहा है वो अलग बात है लेकिन वो मेन मोटिव नहीं है। दूसरा अपना ऑब्जेक्ट आता है वो है प्रोडक्शन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट्री को अगर हम कर रहे हैं तो इसके पीछे अपना मेन मोटिव कुछ प्रोडक्शन है। अगर मेरा जो प्रोडक्शन है वो मीन्स देखो प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसके पीछे मनी है, कॉमर्शियली मीन्स दिमाग में मनी मेकिंग ही है। बस ये है कि अगर वो मनी मेकिंग जो हो रहा है वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से लिंक नहीं है,
मैंने पेपर प्रोड्यूस कर, मैंने टीक लगा दिया है, या मैंने सपोज यूकेलिप्टस की प्लांटेशन कर दिया, मैंने फाइनल जब रोटेशन हुआ यूकेलिप्टस काट के मार्केट में छोड़ दिया, अब वो कोई उससे पेपर बनाए या घर पे सीढ़ियाँ बनाए या अपने घर में जो कच्चे घर होते हैं उनमें बीच में नींव डालते हैं उसमें लगाए, क्या करता है वो हमारा पर्पज नहीं है। मेरा पर्पज वो कैश लेना था, वो मुझे मिल गया, तो इसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री। दूसरा होती है इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री। इसमें क्या होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल आप आपने उत्तराखंड का है, जैसे कि ये नेपाल वाला ले लो, ये नेपाल, ये उत्तराखंड रह गया, तो ये जो तराई रीजन है, तराई रीजन में पूरे में पॉपुलर इंडस्ट्री बहुत फेमस है। यहाँ पर जो पॉपुलर का प्रोडक्शन हो रहा है वो यहाँ पर जो इंडस्ट्री है, जैसे कि रुद्रपुर जो है लालू कुआ में, यहाँ एक सेंचुरी पेपर मिल है, यहाँ हरियाणा में निपन हरियाणा है, यहाँ पर गंगा यमुनानगर है जो टिम्बर इंडस्ट्री है, तो ये वाले रीजन के जो पॉपुलर हो रहा है ये पूरे के पूरे इससे जुड़े हुए हैं सेंचुरी से। यहाँ पर जो है वो यमुनानगर से जुड़े हुए हैं, मीन्स उत्तराखंड के पार्ट के हैं, कुछ हिमाचल के हैं और हरियाणा वाले रीजन के हैं, तो ये पूरे प्लाईवुड इंडस्ट्री से जुड़े हैं यमुनानगर के। तो इसका रिजल्ट कहने का मतलब है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है वो किसी पर्टिकुलर लिंक उससे है, तो वो है आप इंडस्ट्रियल, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डिमांड के लिए कर रहे हो। एमपी में नेपा नगर है, वहां पर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पेपर मिल इंडस्ट्री के लिए हो रहा है। तीसरा ऑब्जेक्ट आता है अपना सोशल फॉरेस्ट्री, जहाँ आप जो फॉरेस्ट्री उगा रहे हैं वो समाज की भलाई के लिए उगा रहे हो। जैसे आप फार्मर इनकम बढ़ाना चाहते हो, या फार्मर जो है उसके फार्म को प्रोटेक्ट करना चाहते हो हॉट और कोल्ड विंड से, तो आप वहाँ पर जैसे विंड ब्रेक शेल्टर बेल्ट जो वगैरह करा रहे हैं, ये किसके अंडर आ जाएगा, फार्मर प्रोटेक्ट फार्म फॉरेस्ट्री के अंडर। आप एक आता है रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, जब आप किसी नेशनल पार्क में एंट्री करते हो तो आप जब घुसते हो तो ऐसा लगता है कि नेशनल पार्क वालों ने आपके स्वागत के लिए आपके रोड के दोनों साइड में फ्लावरिंग कर रखी है, तो ये दोनों साइड की फ्लावरिंग लगाई है जिससे कि टूरिज्म को और प्रमोट किया जा सके, तो वो क्या है रिक्रिएशनल है। आपके सिटी में जो सिटी है टाउन है उसमें जो छोटे छोटे पार्क होते हैं उनमें जो प्लांटेशन की गई वो क्या है रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री। सिटी की जो ट्री है इनको हम अर्बन फॉरेस्ट्री में भी काउंट करते हैं, एक अलग ही ब्रांच शुरू कर दी गई जिसे बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री। ये जो क्या है इनको बाद में एक एक करके डिस्कस हो जाते हैं, इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं होती है। फार्म फॉरेस्ट्री को अपन डिटेल एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री में पढ़ेंगे। एक मुद्दा आता है ये एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, वैसे ये चारों ही सोशल फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री में आएंगे, डिटेल में आएंगे वहाँ। एक्सटेंशन का मतलब होता है आप किसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हो, अपनी लिमिट से बाहर लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हमेशा अपने फॉरेस्ट एरिया में ही काम करता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने एक्टिविटीज को अपने एरिया से बाहर लेकर के सोसाइटी के बीच में लेके जा चला जाए, तो इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन। ये है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। जैसे रोड के साइड में कैनाल साइड में प्लांटेशन है, पंजाब में बहुत है, रोड के साइड में प्लांटेशन है, एवेन्यू प्लांटेशन है, ये सब क्या है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। जैसे कि यूपी है, यूपी में क्या होता है कि जो यूपी के रोड होते हैं सड़कें इनके किनारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेशन कर रखा होता है, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्लांटेशन है, रोड पीडब्ल्यूडी वाला ही बना रहा है, तो इस टाइप से क्या है ये क्या है एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है। अब इस पे एक एक्सरसाइज कर लेते हैं कि द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरिया अवॉइड टू ट्री ग्रोथ एंड अदर वेजिटेशन आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया। इनका कहना है कि ऐसे एरिया में फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिस करना जहाँ पर डेवॉइड ऑफ ट्री ग्रोथ, जहाँ यूजुअली ट्री ग्रोथ होती ही नहीं है, किससे आउटसाइड ऑफ कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया, जो हमारे कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया उससे बाहर आप फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हो, खासकर ऐसे एरिया में जहाँ ट्री यूजुअली ग्रो नहीं करते उसे हम क्या बोलेंगे। तो देखो फार्म फॉरेस्ट्री एक्चुअल में एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के ये सब पार्ट होते हैं, लेकिन जो बेसिक अपना आंसर आएगा वो आएगा एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, क्योंकि आप अपने फॉरेस्ट्री को एक्सटेंड करके जा रहे हो। ठीक है, ये एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के ही एक्चुअल में पार्ट आ जाते हैं अपने, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री है, फार्म फॉरेस्ट्री है, अफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये अलग चीज हो गई। ये क्या है कि जैसे ये फॉरेस्ट था, अगर यहाँ के फॉरेस्ट को आपने कट कर दिया तो इसे बोलते हैं अपन डिफॉरेस्टेशन, आपने इसे पढ़ रखा है पहले से।
अब कट कर रखा था, किसी का दिमाग खराब होता है वो यहाँ पर वापस फॉरेस्ट लगा देता है, तो इसे हम बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, री जहाँ पहले फॉरेस्ट था वहां पर इसने फॉरेस्ट लगाया वो बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन, हटाने को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ऐसे एरिया में जहाँ पर पहले कभी फॉरेस्ट नहीं था अगर वहां फॉरेस्ट लगा रहा है तो उसे बोलते हैं हम एफॉरेस्टेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वुड एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज ए बिजनेस एंटरप्राइज। तो ये बोला हम वुड और फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, किसी इंडस्ट्री लिंक नहीं बोल रहा है, हम एज ए बिजनेस एंटरप्राइज हम कोई वुड और वो कर रहे हैं तो हम इसको फॉरेस्ट्री को क्या बोलेंगे। तो सीधी सी बात है कि हम प्रोड्यूसर कर रहे हैं लेकिन बिजनेस टाइप का कर रहा है तो हम इसे प्रोटेक्शन बोलेंगे क्या? प्रोटेक्शन हमारा एम ही नहीं है, सोशियल है क्या? मैं अपने खेत में इस टाइप का कर रहा हूँ एंटरप्राइज में, या सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ? नहीं, ये बात अलग है कि सोसाइटी इनडायरेक्टली उसके ऑक्सीजन CO2 बैलेंस में हेल्प कर रही है, वो वाटर बचा रहा है जो सोसाइटी को हेल्प है, लेकिन इंटेंजिबल जो बेनिफिट है वो मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मैं सोसाइटी के लिए नहीं उगा रहा हूँ, प्रोटेक्शन पर्पज के लिए नहीं उठा रहा हूँ, मैं उगा रहा हूँ, वो उगा रहा हूँ प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री में, प्रोड्यूस कर रहा हूँ अपनी इकोनॉमी के लिए। अब अपनी मैन इसमें फॉरेस्ट्री में अपन को केवल इतना ही पढ़ना था। अब अपने थर्ड पिलर पे जाते हैं, वो है सिल्वीकल्चर में। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ये सिल्वीकल्चर है क्या। जैसे मैंने आपसे बोला फॉरेस्ट आपको पता है, फॉरेस्ट को उगाने की जो साइंस होता है वो है फॉरेस्ट्री, और इस फॉरेस्ट्री के जो स्ट्रीम है इस फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट का एक छोटा सा सब्जेक्ट है वो है सिल्वीकल्चर। लेकिन ये सिल्वीकल्चर की हिस्ट्री कैसे ड्राइव हुई है, सिल्वीकल्चर शब्द आया कैसे? तो देखो एक सिंपल सा टेक्निक होती है कि जो हम पेड़ हैं उन्हें नीचे से लगाते हैं और पेड़ों को बड़ा करते हैं तो हम इसे बोलते हैं बॉटनी। प्लांट जो है उनको ग्रो करने को बोलते हैं बॉटनी। ये प्लांट की बहुत बड़ी कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी है। इसमें अगर हम जो एग्रीकल्चर जो फूड क्रॉप है उनको अगर हम उससे अलग निकाल लें तो जो फूड क्रॉप वाले हैं उनके प्रोडक्शन की जो टैक्टिक है टेक्निक है उसको हम क्या बोल देते हैं एग्रीकल्चर। जो फ्रूट वाले हैं उनको बोलते हैं पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर भी एक ब्रांच है ऐसी। तो ऐसे ही मैं अगर हम अगर हम ट्री ट्री के साथ जो फॉरेस्ट ट्री है स्पेसिफिकली अगर हम फॉरेस्ट ट्री के साथ ऐसा अगर हम करें तो हम उसको क्या टर्म यूज करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिल्वीकल्चर। मतलब सिल्वीकल्चर जो है एक्चुअली इसके पीछे एक बेसिक टर्म ही समझ लो, ये भी कौन सिल्वीकल्चर कौन सा टर्म है, लैटिन टर्म है। क्योंकि लैटिन में सिल्वा जो है ये शब्द का याद रखो, क्योंकि ये शब्द से बहुत बड़ी बकेती है, जब तक आपको नहीं पता होगा ये शब्द ने बहुत लोगों का मर्डर किया है। ये शब्द से जो जुड़े हैं साल्वेज कटिंग है इस टाइप के जो टर्म आएंगे तो वो दिमाग खराब करते हैं कि इसका सेंस क्या है, तो उससे ऑब्जेक्टिव आपके जो है वो सॉल्व नहीं हो पाते, और ये तो एक 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 क्वेश्चन की मारामारी चलती है यहाँ। तो सिल्वा जो टर्म है लैटिन में उससे ये सिल्वीकल्चर ड्राइव हुआ, और सिल्वा का मतलब होता है वुडलैंड। जैसे फॉरेस्ट का मतलब भी यही था, फॉरेस्ट का मतलब भी यही था वुडलैंड। एक्चुअली फॉरेस्ट का मतलब क्या था, विलेज की आउटसाइड में जो था, मतलब आउटसाइड में क्या था, वुडलैंड ही तो था। वैसे ही सिल्वा का भी मतलब है वुडलैंड। तो वुडलैंड मीन्स वुडलैंड को खड़े करने की जो कल्चर या टैक्टिक है उसे क्या बोलेंगे, सिल्वीकल्चर। यानी कि वुडलैंड को खड़ा करना या ग्रो करने को का जो कल्चर है उसे सिल्वीकल्चर। कल्चर मीन्स वो टैक्टिक वो मीडिया। तो यहाँ पर सिल्वीकल्चर की अपने को तो डेफिनेशन है उन्हें देखते हैं, मीन्स एक्चुअली तीन है, दो डेफिनेशन है बेसिकली वही देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान रखें। तो इस टाइप से अगर आपसे बोल दिया जाए आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप, वैसे एक ही डेफिनेशन जो मुझे पूरे 12 ईयर के आसपास जो है इसमें फील्ड से जुड़ा हूँ 2008 से, और एक ही डेफिनेशन है जो मुझे याद रही, आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप। फॉरेस्टी में क्या है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस है, यहाँ पर वो नहीं है। फॉरेस्टी में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस या थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वो भी टर्म उसमें भी जुड़ा हुआ है फॉरेस्टी में। यहाँ पर जो है सिल्वी वो वहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस है, उस चीज़ को ध्यान रखें। ये क्या बोल रहा है, आर्ट एंड साइंस।
ये किसने दिए? एनोन का मतलब होता है एनोनिमस, मतलब कोई नहीं जानता। तो एनोन कोई नाम नहीं है, मीन्स किसने दिया कोई पता नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी किस्मत फूटी हो कुछ लोग लिख देते हैं, तो इसलिए मैंने इसे लिख दिया एनोन। आपको याद नहीं रखना है किसने लिखा, किसी को पता नहीं है। एनोन का शॉर्ट फॉर्म मतलब एनोनिमस होता है एक्चुअली उसका लेंथ में। दूसरी इसकी सिल्वी कल्चर की डेफिनेशन है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग फॉरेस्ट क्रॉप। ये किसने दी थी? चैंपियन एंड सेठ ने। कब दी थी? 68 में। तो अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पर, इस टाइप की जब भी आएगा कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत चीजें याद नहीं रखना, क्योंकि क्वेश्चन में इस टाइप के आता है कि डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसने दी, इस टाइप के क्वेश्चन आया। तो आपको याद ये रखना है कि एक जो थ्योरी और प्लस प्रैक्टिस की बात कर रहा है, तो ये एक थ्योरी है दूसरी प्रैक्टिस है, मतलब थ्योरी से हो गया चैंपियन और इससे जुड़ा है सेठ। तो इस टाइप से थ्योरी और प्रैक्टिस वाले दो लोग हैं, थ्योरी और प्रैक्टिस, और ये चैंपियन एंड सेठ वाली है। ये आईसीआर वाले याद रखेंगे, एमसीक्यू वालों को याद नहीं करना है, राजस्थान वालों को याद नहीं रखना है, ये आईसीआर वालों के लिए ही है। ये सिल्वी कल्चर है, ये सिल्वेक्स प्लस उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो है, क्योंकि आईसीआर में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू वाले नहीं पूछेंगे। एक सिल्वेक्स, ये दोनों ही लोगों को याद रखना है। इसमें क्या होता है कि आखिर ये सिल्वेक्स होता क्या है, तो आपको याद रखना है कि देखो सिल्वेक्स, सिल्वी कल्चर, सिल्वा मीन्स वुडलैंड। तो वुडलैंड को जब आप उगाते हो या कोई पेड़ उगाते हो, तो वो एक्चुअली दिखने में कैसा है और वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, उसकी लाइफ कैसे उग रही है, इस सब की स्टडी को हम बोलते हैं सिल्वेक्स। मतलब उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी है और उसके जनरल कैरेक्टर कैसे हैं, इसकी जो स्टडी है उसको बोला जाता है सिल्वेक्स। अब सिल्वी कल्चर सिल्वेक्स में क्या डिफरेंस है, इससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं और ये अपना सिल्वी कल्चर खत्म हो जाएगा यहाँ। सिल्वी कल्चर डिफाइन आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट को, सीधा मेजोरिटी चीज में ये सीधा सीधा मिल जाता है हमें। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट साइड में हट के देख लेते हैं, रोल ऑफ फॉरेस्ट। देखो फॉरेस्ट हमेशा दो टाइप के देते हैं, एक तो हम बोल सकते हैं ना प्रोडक्शन, और दूसरा होता है प्रोटेक्शन। देखो जो प्रोड्यूस होगा, उसकी कुछ मनी वैल्यू होगी। अब जब किसी भी चीज की, जिसकी भी मनी वैल्यू होती है, वो आपको पैसा बचाना होता है, वो देगा आपको टेंशन। तो टेंजिबल बेनिफिट मींस वो बेनिफिट जो आपको टेंशन देते हैं, जैसे कि टिम्बर प्रोड्यूस कर रहा है, फ्यूल वुड कर रहा है, नॉन टिम्बर कुछ है, शुडर, गम, रेजिन, कुछ भी करे, ये वो चीजें आएंगी जो आपको टेंशन देती है, मतलब प्रोडक्शन वाले होंगे। जो आपको रिलैक्स करती हैं, जो प्रोटेक्शन वाले, वो तो आपको कोई करने वाली नहीं है। जैसे सोयल को सुधार रहा है, CO2 बैलेंस है, वाटर साइकिल रन ऑफ है, ये सब चीजें हैं वो इंटेंजिबल। यहाँ बताने का पर्पज ये तो आप चीजें वैसे भी पढ़ लोगे, बस दिक्कत होता है कि हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये टेंजिबल इंटेंजिबल ये है क्या वाला है। प्रोटेक्शन प्रोडक्शन तो पढ़ा है, टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं पढ़ा। तो ये सीधी सीधी स्टार में एक बार शब्द बैठ गया तो काम हो जाता है, ये पूरा शब्दों का ही गेम है। एमसीक्यू एग्जाम बोले तो 90% शब्दों का गेम है। अब इसमें अपनी मेन लिस्ट पे देख लेते हैं, तो सिल्वी कल्चर वाला हो गया। अब अपना मुद्दा आ जाता है साइट फैक्टर। देखो साइट फैक्टर में क्या है कि कोई साइट है, कोई लोकेशन है, वो लोकेशन जहां पर आप प्लांटेशन का काम कर रहे हो, जहां पर आप करने वाले हो, कर रहे हो या हो चुकी है, तो वो जो पर्टिकुलर लोकेशन है, जैसे कि ये आपकी एक पर्टिकुलर लोकेशन है, इसको क्या है? यहाँ पर ये प्लांटेशन हो रखी, इसको क्या बोलोगे आप? ये साइट है। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर होंगे? यहाँ पर चार टाइप के फैक्टर होंगे। कौन से? एक तो हवा ऊपर से है, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर है, मतलब कैसा टेम्परेचर है, गर्मी है, सर्दी है, हवा तेज है, धूप है, क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर है। दूसरा है यहाँ सॉयल के फैक्टर होंगे, एडैफिक कैसी है, मीन्स सॉइल या एडैफिक फैक्टर, क्लाइमेटिक हो गया, दूसरा एडैफिक हो गया। तीसरा होता है टोपोग्राफी, ये इसकी कैसी टोपोग्राफी है, रन ऑफ किधर को, क्योंकि देखो अगर ये स्लोपी ज्यादा होगा तो या रन ऑफ ज्यादा होगा तो प्लांटेशन एक टाइम के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होगा। तो तीसरा मुद्दा हमारे लिए टोपोग्राफी है। और चौथा होता है बायोटिक, तो अच्छी प्लांटेशन कर दो, एक एलिफेंट आया और वो पूरी तोड़ फोड़ करके चला गया तो बर्बाद। तो चौथा अपना आ जाएगा एलिफेंट वाला, मीन्स बायोटिक फैक्टर। तो इस टाइप से हमारे चार फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि अपनी साइट क्या होती है,
और दूसरा मुद्दा आता है अपने साइड फैक्टर, मीन्स कौन से होंगे, क्लाइमेटिक एडेप्ट, टोपोग्राफिक और बायोटिक, चार फैक्टर को टर्म याद रखना है। इसके साथ दो मुद्दे और आते हैं, एक होता है साइट क्वालिटी। देखो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, इस सिंपल सा टर्म याद रखना है, वो है कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक खेत है, एक फार्म है जिसमें वीट ग्रो होती है, ये फार्म ए है जिससे वीट का जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है 40 क्विंटल, दूसरा फार्म बी है इससे वीट का प्रोडक्शन हो रहा है 80 क्विंटल। तो प्रोडक्टिविटी किसकी है, मींस कौन ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, ऑब्वियसली बी दे रहा है। तो आप क्या बोलोगे, कौन सा खेत ज्यादा अच्छा है, बी ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा है। हम जो दे रहा है नेचुरल कंटेंट नहीं देखते हैं, हमारा वो परसेंट होता है जो हमें इकोनॉमिकली होता है, इसलिए हम यहाँ एनवायरमेंटल जो चीज़ें रोल प्ले कर रहे हैं पेड़, उन चीज़ों को नहीं कंसीडर करते हैं, हम सीधा देखते हैं मॉनेटरी चीज़ों को। तो यहाँ पर कौन दे रहा है 80 क्विंटल, बी, तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है इसकी, तो साइट बेटर कौन सी सॉइल अच्छी है, ये बी वाली। तो साइट साइट क्वालिटी मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की प्रोडक्ट कैपेसिटी, वो साइट जो है वो प्रोडक्शन कितना कर रहा है। हाँ ये बात ये अलग होती है कि जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो स्पीसीज स्पेसिफिक है, हर साइट हर स्पीसीज के लिए क्वालिटी नहीं सही हुई जरूरी नहीं है। एग्जांपल ले लो, जैसे चंबल रीजन में कंकड़ पैन होते हैं, कंकड़ मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के जो सॉयल होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कंकड़ होते हैं। तो कंकड़ पैन में अगर कोई सपोज यहाँ पर टीक लगा दिया आपने, तो टीक की यहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत घटिया होती है, तो टीक के लिए हम बोल देते हैं कि टीक के लिए ये जो साइट है वो क्लास थर्ड क्लास सॉइल है। लेकिन यहीं अगर आपने आंवला, कौन सा आंवला, एम्बलिका ऑफिसिनलिस यू फॉर्म है, तो आंवले को अगर आपने यहाँ पर प्लांटेशन कर दिया, तो क्योंकि उसे कैल्शियम कार्बोनेट बहुत रिक्वायर होती है उसके लिए और वो यहाँ पर दर मिलता है, तो इसकी बहुत मस्त ग्रोथ होती है। तो यही साइट आंवले के लिए क्लास वन है, जो टिक के लिए क्लास थर्ड थी वो आंवले के लिए क्लास वन है। तो साइट जो है प्रोडक्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, एक स्पीसीज के लिए वो अच्छी हो सकती है, दूसरे के लिए घटिया। तो पहला तो आपको याद रखना है कि साइट क्वालिटी मतलब उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी विद पर्टिकुलर स्पीसीज। यूजुअली आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम हो जाते हैं, प्रोडक्टिविटी से कम हो जाते हैं। दूसरा एक कंटेंट और है कि ये है साइट क्वालिटी डिटर्मिनेशन। अगर हम किसी की साइट क्वालिटी डिटर्मिनेट करें तो हम कैसे करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि एक आप किसी में गए, आपने जस्ट विजिट किया किसी एरिया को, आप देख के समझ सकते हो कि अगर प्लेन एरिया है, सॉइल बहुत अच्छी है, मतलब अच्छी क्वालिटी है, पूरा उबड़ खावड़ वाला एरिया है, रेवाइंस है, तो बोलोगे ये कौन सी क्लास वन थोड़ी हो सकती, क्लास थर्ड फोर्थ क्वालिटी की सॉइल है। तो एक जैसे विजुअल सामने जैसे देख करके आप ऑब्जर्वेशन करके भी बता सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, इनमें केवल एक ही तरीका है जिसे हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिस पर अपने क्वेश्चन आएंगे, वो है साइट इंडेक्स। ये जो साइट इंडेक्स है कैसे बनता है ये देखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि साइट क्वालिटी डिटरमिनेशन के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो है साइट इंडेक्स। एक्चुअली हम इंडेक्स बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस पर, और यहाँ पर जो पेड़ है उनकी ग्रोथ को हम ऐसे मैप करते हैं। तो यूजुअली जो पेड़ है उसकी ग्रोथ सपोज ये है, ये वाली। अब अगर अपना पेड़ है, एक मिनट, ये है यूजुअल ग्रोथ, सपोज ये है कौन सी, अरे कुछ अजीब ही हो रहा है यहाँ पर, चलो इसे यहाँ कट देते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं, ये अपना इंडेक्स है, ये है यूजुअल ग्रोथ जिस पर वो यूजुअली ग्रोथ करता है। अब अगर हमने कोई पेड़ लिया और उसकी इसी रीजन पर ग्रोथ देखी, और अगर उसकी जो ग्रोथ है वो ये जा रही है, मतलब नॉर्मल से अबव है, तो हम इसे बोलेंगे इसकी साइट क्वालिटी अच्छी है। और अगर वो नॉर्मल से नीचे जा रहा है, मतलब नॉर्मल लेवल ये है, उससे कम नीचे प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम बोलेंगे उसकी कम है। तो जो इंडेक्सिंग मतलब इस टाइप का ग्राफ बनता है उसे बोलते हैं हम साइट इंडेक्स। इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये है आईसीआर जेआरएफ का ही क्वेश्चन है।
मेजर ऑफ रिलेटिव प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ साइट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज, इसका जो मेजर्स है उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्या है किसी प्रोडक्टिव कैपेसिटी के जो मेजर्स है वो तो क्या है? साइट क्वालिटी। साइट फैक्टर तो होता नहीं है। साइट फैक्टर कौन से? क्लाइमेटिक इफेक्ट, टोपोग्राफिक और बायोटिक। वेजिटेशन कैरेक्टर का कोई सेंस नहीं बनता है, ट्री कैरेक्टर का कोई मतलब नहीं, तो अपनी कौन सी आ गई? साइट क्वालिटी। यहाँ पर अपना ये सेशन जो है वो ख़त्म हो गया। अब उम्मीद करता हूँ कि आप इसे संडे टेस्ट में इसे कर लेंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि जो सिस्टम है जिससे ये पूरा हमारा यूट्यूब वाला जो सिस्टम जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, तो जिस एप्लीकेशन को हम यूज़ करते हैं या पर सॉफ्टवेयर को, उसका अपडेशन का वर्क है, तो हो सकता है ये आपको डिले भी हो सकता है।